हाय गाइस, मैं हूँ शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स कुकिंग। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अचारी करेले की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा झंझट फ्री और आसान है, बट स्वाद में लाजवाब, एकदम चटपटी और पसंद तो ये सबको ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें लेके आई हूँ आपके लिए अपने एक सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दो लंबे करेलों को धो के पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। कोशिश करें कि स्लाइसेस बराबर पतली हों। फिर मैंने प्लेट में एक लेयर लगा ली है करेलों की और अब मैं इसके ऊपर नमक छिड़क रही हूँ। फिर मैं बचे हुए करेलों को भी ऐसे लेयर कर दूंगी और इसके बाद फिर से नमक छिड़कूंगी। तो अब मैंने यहाँ अच्छी क्वांटिटी में नमक छिड़क लिया है और फिर हम सभी करेलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक इवनली सभी में लग जाए। और अब इन करेलों को हम रख देंगे 20 से 30 मिनट के लिए ताकि ये अपना कड़वा पानी छोड़ें, इससे करेलों की कड़वाहट कम हो जाएगी। तो जब तक करेले रेस्ट कर रहे हैं, आइए हम मसाले देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो कि अचार बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं थोड़ी सी राई, मेथी दाना, सौंफ, धनिया के दाने, ज़ीरा और अजवाइन, और साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी हींग। इन खड़े मसालों को हमने इसलिए इकट्ठा कर लिया है ताकि तड़का लगाने में हमें आसानी हो। तो अब करेलों को रेस्ट करते हुए 30 मिनट हो गए हैं और ये देखिए करेलों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपको इंस्टेंटली करेले ना खाने हो तो आप इसी तरह नमक लगे हुए उसे 2 से 3 घंटे या और भी ज़्यादा समय के लिए छोड़ सकते हैं। अब हम करेलों को पानी में धो लेंगे। तो हमने क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नमक का इस्तेमाल किया था तो हम इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि सारा नमक निकल जाए। फिर हम करेलों को एक किचन टॉवल में बिछा के अच्छे तरीके से पोंछ के ड्राई कर लेंगे। फिर हमें इन करेलों को तड़का मारने से पहले हल्का सा पकाना है। तो कुछ लोग करेलों को बॉईल करते हैं और कुछ लोग करेलों को स्टीम करते हैं, पर जिस मेथड से मैं आप बनाती हूँ उसके लिए आपको एक माइक्रोवेव चाहिए। तो यहाँ मैंने एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में करेलों को अच्छे तरीके से बिछा लिया है। माइक्रोवेव की हीट और पावर पर डिपेंड करता है कि आपके करेले कितनी जल्दी पक जाएंगे। तो आज मैंने यहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए करेलों को माइक्रोवेव किया है। 5 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद करेले प्री कुक होकर सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप करेलों को 5 मिनट के लिए स्टीम या फिर 3 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में उबाल भी सकते हैं। पर इन दोनों ही प्रोसेसेस के बाद ये आप ध्यान रखें कि आप करेलों को अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ के ड्राई कर लें। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। करेले का टेस्ट सरसों के तेल के साथ बहुत ही अच्छा आता है, तो कोशिश करें कि आप इसी का इस्तेमाल करें। अगर आपको सरसों नहीं पसंद तो आप कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल से जब धुआं आने लगे उसके बाद हम इसमें अपने खड़े मसालों का मिक्सचर डाल के पका लेंगे और हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक मसाले चटकने ना लगें। खड़े मसाले के चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज ज़्यादा या कम किसी भी क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ आज एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके इस्तेमाल किया है। प्याज को हमें पकाना है हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट से, जो कि है बचे हुए अचार का मसाला। तो आपके पास आम, मिर्चे, गाजर, मिक्स वेज, किसी भी चीज़ का अचार हो उसका अक्सर मसाला बच ही जाता है। तो आज हम उसी के तेल और मसाले का इस्तेमाल करके अचारी करेला बनाएंगे। आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आम के अचार का बचा हुआ मसाला, जो कि हमारी सब्ज़ी को एक बहुत ही चटपटा टेस्ट देंगे। तो मैं यहाँ लगभग 2 छोटे चम्मच मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ मैं डाली हूँ धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, और हल्दी पाउडर। तो हमारे पाउडर मसाले कम या ज़्यादा उस हिसाब से हम डालेंगे जितना हमारा अचार का मसाला तीखा या चटपटा है। तो उसी हिसाब से आप सूखे मसालों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए सूखे मसालों को भून करके हम इसमें तुरंत डाल देंगे हमारे प्री कुक्ड करेले और मिला लेंगे हम इन्हें बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको तेल कम लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको करेला पकाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत है तो आप उसकी जगह अचार का बचा हुआ तेल इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच अचार का तेल और डाला है, इससे करेले आसानी से पक भी जाएंगे, साथ ही उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अचारी हो जाएगा। फिर हम डालेंगे नमक। तो नमक आज मैंने सिर्फ 1 चुटकी इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे अचार के मसाले में भी नमक होता है। अब हम करेलों को 4 से 5 मिनट के लिए ढक करके स्लो फ्लेम पे पकने देंगे।
एक बार करेलों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम उसे फिर से ढक करके अगले 3-4 मिनट के लिए और पकने देंगे। करेलों को ढक करके पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इन्हें चला लेंगे अच्छी तरीके से और अब हम इन्हें बिना ढके अगले 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम करेलों को हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए तब तक पका लेंगे जब तक कि वो एक अच्छा सा ब्राउन कलर ना ले ले। और मेरे करेले तो यहाँ बन करके तैयार हैं, तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये करेले बन करके तैयार हैं और ये इतने ज़्यादा टेस्टी और चटकारे वाले होते हैं कि जिनको करेला नहीं भी पसंद है वो भी इसे खा ही लेंगे। तो अगर आपके पास बचे हुए अचार का मसाला नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ये उतने ही अच्छे बनेंगे। आपको बस अपने सूखे हुए मसालों की क्वांटिटी बढ़ानी है और साथ ही एंड में आप इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए ताकि ये चटपटा बने। तो अब मैंने आपको अपने करेले की रेसिपी के टिप्स एंड ट्रिक्स सभी बता दिए हैं, पर आपको मेरे लिए इस रेसिपी को अपने घर में बनाना है और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को दीजिए एक थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।